अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू परवीज़ किचन। आज की हमारी रेसिपी है शाले पानी की जेली, कोकोनट जेली हम बनाएंगे। ओके, तो उसके इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है हाफ अ लीटर कोकोनट वाटर शाला पानी, राइट, व हाफ अ कप शुगर और 1 टीस्पून अगर की पाउडर हमने लिया है। और ये शाले पानी की जो मलाई रहती है उसको हमने इस तरह कट करके लिया है, क्योंकि ये भी हम डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर दिखता है वो। तो चलो बनाते हैं हम 4 इंग्रेडिएंट्स से कोकोनट वाटर जेल। और उसके अंदर मलाई है क्या देखेंगे हम। ओके, देखिए इसके हमने टुकड़े किए हैं और ये जो है इसकी मलाई है नारियल की, वो भी हम लेंगे उसमें बनाने को। तो ये देखो इस तरह हम निकालते हैं, देखिए इस तरह हमने बड़ी बड़ी निकाले, अब इसको हम कट करेंगे। ओके, देखिए इसको हमने अच्छे से इस तरह लंबा लंबा कट किया है, क्योंकि ये भी हम डालेंगे ना उसके अंदर इसके लिए। ओके, ये तो रेडी हो गया। ओके, पॉट लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, कोकोनट वाटर जो है वो डालते हैं। साथ में हम शक्कर भी ऐड करते हैं और ये पाउडर भी साथ में डालते हैं। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको हम पकाएंगे। फ्लेम जो है कम ज़्यादा करके उसको हम इसी तरह 3 मिनट, फिर उसको हम एक प्लेट में थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे किस तरह सेट होता है वो। तीन मिनट तक हमने अच्छे से पकाया है, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा लेते हैं और उसको इस तरह हम प्लेट में डालेंगे और इसको सेट थोड़ा होने दे रखेंगे, उसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। प्लेट में डाली थी चेक करने को, देखिए किस तरह सेट हुआ है, देखिए हो गया। हाँ, अब हम इसको निकालते हैं, देखिए अच्छे से सेट हुआ है। अब फ्लेम जो है हम बंद करते हैं, फिर ये जो है नारियल का ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं मलाई, इससे बहुत खूबसूरत दिखता है और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हम इसको एक कंटेनर में डालते हैं और फिर उसको सेट करते हैं। देखिए मेरे पास फ्लैट कंटेनर है, मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सारा इसी तरह हम इसके अंदर डाल दिया, अब हम इसको ठंडा करेंगे थोड़ा टाइम बाहर ही रखते हैं, फिर उसको हम फ्रिज में डाल के 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है ना, ये देखिए हमने फ्रिज में से निकाले, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। अब इसको हम कट करते हैं और डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ना हमारी जेली। लीजिए हो गई तैयार हमारी शाले पानी की जेली, जिसको नट जेली, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और कमेंट करें किस तरह बनती है वो। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।